गांव वालों ने प्रधान पर लगाया गंभीर आरोप। प्रयागराज के सुराव तहसील में सराय गोपाल भद्री के प्रधान पर गांव वालों ने गंभीर आरोप लगाया। गांव वालों का कहना है कि मनरेगा श्रमिकों के राष्ट्रीय आपदा पूर्व कोविड-19 में मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजी गई संयोग राशि अपने बेटे के खाते से निकालकर निजी कार्य में वह खर्च कर रहे हैं। ग्रामवासियों ने जिला अधिकारी को एक संयुक्त लेटर दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि अपने बेटे के नाम से मनरेगा का जॉब कार्ड प्रधान ने बनवाया है और उसका दुरुपयोग किया है। ग्रामवासियों का यह भी आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा मनरेगा मजदूरों के खाते में जो संयोग राशि मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजी गई है, उसे मनरेगा मजदूरों को ना देकर अपने बेटे के खाते से निकाल कर निजी हित में खर्च कर रहे हैं। ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान के ऊपर और तमाम तरह के आरोप लगाते हुए कहा है कि वे सरकारी आवास के नाम पर लोगों से वसूली करते हैं और पैसा मांगने पर उल्टा सीधा बोलते हैं। यहां तक कि सुलभ शौचालय के नाम पर भी गरीबों से 2,000 रुपये लेते हैं, जिसकी जांच करानी अति आवश्यक है। ग्रामवासियों ने यह भी आरोप लगाया है कि ग्राम समाज के उनको अपने चहेते प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से ग्राम प्रधान काम करवा रहा है। यहाँ तक कि ग्रामवासियों का यह भी कहना है कि अंत्योदय कार्ड गरीब मजदूरों को ना बनाकर ग्राम प्रधान द्वारा अपने चहेतों के नाम पर बनवाया गया है और स्वयं निजी हित में लिया जाता है। ग्रामवासियों ने जिला अधिकारी से निवेदन किया है कि जांच कराई जाए और दोषियों को दंडित किया जाए। जिला अधिकारी से अपील करने वाले लोगों में महेंद्र कुमार पटेल, शशि प्रकाश पटेल, अंकित पटेल, जमुना प्रसाद, अनुज कुमार, रंजीत कुमार द्वारा, राजू, अनुराग आदि लोग शामिल रहे। खबर जगत के लिए ब्यूरो प्रयागराज के साथ अमृता सिंह की रिपोर्ट।